हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आप सबको मेरे मेकअप वीडियोस पसंद आ रहे हैं। मेरी जो लाइफ है एज एन आर्टिस्ट, जैसे मुझे कलर से खेलना पसंद है, सेम वे अपने फेस पे मेकअप के साथ एक्सपेरिमेंट करना भी मुझे बहुत पसंद है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मेरे इस एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न कर रहे हैं और उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तहे दिल से आपका शुक्रिया। मेरे पास काफ़ी ये क्वेरीज आती है कि एक राउंड फेस को कैसे कंटूर किया जाता है, तो आज की ये वीडियो होने वाली है स्पेशली डेडिकेटेड फॉर कंटूरिंग, कि कंटूर कैसे करें और एक लाइट सा मेकअप करते हैं उसके साथ ही। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको जो भी न्यू वीडियोस मैं पोस्ट करूंगी उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाएगा। तो चलो देर ना करते हुए वीडियो की करते हैं शुरुआत। मैंने अभी मॉइस्चराइजर एक्चुअली अप्लाई किया हुआ है। क्लिंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेप वन, किसी भी जैसे आर्टिस्ट बोलता है कि आपको आर्ट वर्क स्टार्ट करने से पहले कैनवास को रेडी करना होता है, सेम वे आपकी स्किन के लिए भी है। एक अच्छा सा फेस वॉश जो भी आप यूज़ करते हैं उसे यूज़ कीजिए, अच्छे से स्किन को क्लीन कीजिए और उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए। मॉइस्चराइजर ये मिथ है कि जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए ही होता है, बट अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है या ऑयली स्किन है इवन देन मॉइस्चराइजर इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आपके फेस को एक प्रोटेक्टिव लेयर देता है, क्योंकि इसके बाद सारा गेम केमिकल्स का होता है, तो उससे पहले अपनी स्किन को पैम्पर करना, मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं फेस ऑयल या फेस सीरम। तो अगर डिपेंड अपॉन योर स्किन आप सीरम यूज़ कर सकते हो। मैं जो यूज़ करती हूँ ये विटामिन सी इनरिच है, जो मुझे लगता है कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप 2-3 ड्रॉप्स इसकी अप्लाई कीजिए और फिर टैप कर लीजिए, सो दैट ये आपकी स्किन में अंदर तक चला जाए। सो आफ्टर डन दिस नीड टू यूज एनी काइंड ऑफ प्राइमर। ये कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं है, तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ मेरी कोई कोलैबोरेशन नहीं है उनके साथ। मैं जो प्रोडक्ट अपनी स्किन के लिए बेस्ट सुटेबल है वो यूज कर रही हूँ और मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। सो यू नीड टू टेक अ जेनरिक अमाउंट, और जहाँ आपको लगता है कि आपके ओपन पोर्स हैं या जहाँ आप बहुत स्वेटिंग करती हैं आप उन एरिया पे इसे अप्लाई कीजिए और डाब डाब करके। अब इसके क्या बेनिफिट होते हैं, जो केमिकल्स हम यूज करने वाले हैं स्किन पे, ये आपके जो पोर्स है उसको क्लोज कर देती है। स्वेटिंग की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी होगी, इसके साथ मेकअप का जो इम्पैक्ट है वो आपकी स्किन तक नहीं जाता, तो इट विल बी अ लेयर इन बिटवीन योर स्किन एंड मेकअप, राइट? सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो अब आपकी स्किन प्रेपिंग हो गई है, आप लिप पे लिप बाम लगाइए। एंड कंसीडर दिस एज अ लास्ट स्टेप ऑफ स्किन प्रेपरेशन। सो अब आपका कैनवास रेडी हो गया है, यू कैन प्ले विद कलर्स। आफ्टर प्राइमर, जब आपको लगने लगे कि आपकी स्किन अब रेडी है मेकअप के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमेशा फाउंडेशन अप्लाई करना। तो आप जो भी फाउंडेशन यूज करते हैं, मैं ये फिट मी फाउंडेशन यूज करती हूँ मेबलिन की, तो फिंगर पे लेके आपको इसको स्प्रेड करना है ऑल ओवर योर फेस। Apply on your neck as well, and then एक round brush की help से you need to mix it. तो अगर color correcting का आपने काम करना है वो आपने इससे पहले करना है, foundation apply करने से पहले। उसके लिए क्या होता है, अगर आपको आईज के नीचे डार्क सर्कल हैं या आपकी बहुत ही डार्क लाइट पैची स्किन है, तो वहाँ आप ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर पिंपल्स हैं तो आप ग्रीन करेक्टर यूज़ करते हो, और नॉर्मली अगर हल्का सा डार्क इम्पैक्ट जहाँ भी आता है आप येलो कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो। मैं ये कंटूरिंग पैलेट यूज़ कर रही हूँ, अल्टीमेट कंसीलर पैलेट है ये। इसमें एज यू कैन सी दैट सारे शेड्स अवेलेबल हैं। ये जो पिंक है दैट इज़ फॉर ब्लशर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ ग्रीन कंसीलर, ये हाईलाइटर है सिल्वर कलर का। बाकी सारे शेड्स हैं एज पर योर स्किन आप यूज़ कर सकते हो। अब स्किन में क्या होता है,
आपको क्या करना है, पैलेट को पास रखना है. तो जो आपकी स्किन से परफेक्ट टोन है, एज यू कैन सी दिस इज, और मे बी दिस इज मोर मैचिंग ना. हाँ, तो अगर ये मेरी स्किन टोन है तो इससे टू टोन डार्क मुझे यूज करना है कंटूर, और टू शेड लाइट हाईलाइट करना है. आई एम गोइंग टू यूज दिस कलर विद द ब्रश. अभी मैं ये पॉइंटेड ब्रश यूज कर रही हूँ. आई एम गोइंग टू टेक डार्क कलर विद दिस. सो अगर आपका फेस बड़ा है तो सबसे पहले तो आपको ये एरिया छोटा करना. अंडरस्टूड? सो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कट आर फेस. यहाँ भी कटिंग दे देते हैं. अब हमें जॉ लाइन जो है इसको डिफाइन करना है. सो हमें क्या करना है, सेंटर में एक कट देना है वी, एंड देन यहां भी कटिंग दे देंगे. अगर आपका फॉरहेड बहुत बड़ा है तो आप कुछ डॉट यहां लगा के इसको छोटा कर सकते हैं कंसील करके. बट क्योंकि मेरा फोरहेड इतना बड़ा नहीं है तो मैं ज़्यादा यहाँ नहीं करूँगी. नोज़ कंटूरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कैसे इसको स्लिम दिखाना है. तो मेरा भी नोज़ जो है ब्रॉड है, इसको स्लिम तीखा दिखाने के लिए कंटूरिंग का जो कलर है, सबसे पहले आपका सेंटर नोज़ जो ये है सेंटर, सो यू नीड टू डू इट हियर. आप आगे यही चीज कंटिन्यू करेंगे. ये एरिया से कंटूर होना चाहिए इस तरह से. अब वही फाउंडेशन ब्रश लीजिए. क्यों? क्योंकि आप में थोड़ा बहुत जो इस पे लेफ्ट है फाउंडेशन, वो इसकी जो मिक्सिंग है उसको परफेक्टली होगा करेगा. तो आपने क्या करना है, इसको जस्ट प्रेस करना है सो दैट एक शेडो इम्पैक्ट जो है वो जनरेट हो सके. अब इसी वे में अगर आपको अपनी चीक्स को कंट्रोल करना है तो उसका क्या रूल होगा, यू नीड टू फाइंड द बो. ये बो जो है ईयर के यहां से आके आपकी लिप्स के सेंटर में आ रही है, तो आपको इसी को गाइडलाइन की तरह यूज करना है. सिमिलर वे अब उसी फाउंडेशन ब्रश से आप इसको भी पीछे की तरफ ब्लेंड करेंगे. सो ये एरिया पे मैंने टी जोन पे अप्लाई की है. अपनी हाईलाइट जो एरिया करते हैं जो आपके उभर के बाहर आते हैं, एज यू कैन सी दिस इज अ टी जोन राइट. सो आई अप्लाइड दैट अंडर माय आईज ऑन फोरहेड, नोज स्ट्रेट, क्यूपिड बोन दिस, एंड देन अ स्लाइट लाइन ऑन बोथ दी साइड. नाउ विद दी सेम फाउंडेशन ब्रश आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट. सो सेम वे यू विल नॉट ड्रैग एनीथिंग. मैं ये माइक लैम्प का लिट रेडिएंट मैट कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ. आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं. अगेन ज़्यादा ब्रशेस का नहीं यूज़ करती हूँ मैं, सेम फाउंडेशन ब्रश को यूज़ कर रही हूँ. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक डस्ट दी एक्स्ट्रा एंड देन प्रेस इट इन माय स्किन. आई एम नॉट ड्रैगिंग इट, आई एम प्रेसिंग इट राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ भी मुझे लग रहा है मैंने हाईलाइटर अप्लाई किया है, सिंपल सा रूल है, टी जोन में जहाँ भी हाईलाइटर आपने अप्लाई किया है ज़्यादा स्वेटिंग वहाँ आती है. तो आपने क्या करना है, जहाँ भी स्वेटिंग आती है वहाँ पे इसे लॉक कर देना है, इसे क्रीज होने से बचाना है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्पैक्ट. सो टेक डस्ट एंड प्रेस, दीज थ्री विल बी दी स्टेप. सो बाकी भी ब्रश को मैं स्किन में एक बार चला रही हूँ ऑल ओवर माई फेस. कहीं भी केकी नहीं लगना चाहिए,
मेकअप आपका ऐसा होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं मैंने यहाँ यूज़ की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे शेयर करूँ कि जो नॉर्मल जो भी आप फाउंडेशन लगाते हो उसको कैसे फुल कवरेज फाउंडेशन में कन्वर्ट करें, तो मैं वो भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी, मुझे कमेंट में बताना। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू गो अहेड विद योर आई मेकअप। अब नॉर्मली हम आई मेकअप नहीं करते हैं, बट स्टिल कुछ चीज़ें जो अवॉइड नहीं की जानी चाहिए या नहीं की जाती मुझसे, मैं वो शेयर कर देती हूँ आपसे। सो मैं ये यूज़ कर रही हूँ ब्रो पाउडर, एक एंगल्ड ब्रश से ब्रो पाउडर ले रही हूँ ये, और फिर जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है फिल करने की रिक्वायरमेंट है, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द आईज, ये एनहेंस हो गई है। देन आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेम ब्रो पाउडर अंडरनीथ माई आईज। अब आप देखेंगे कि ये अप्लाई करने के बाद जो चिड़ी आईज हैं वो बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं। इस तरफ भी अप्लाई करते हैं। तो अब आप देखो होंगे ना इस बड़ी बड़ी, तो सकते हैं कि आपका मेकअप डन हो गया है। अब ब्लशर नहीं यूज किया है, हाइलाइटर नहीं यूज किया है, क्यों? क्योंकि रेगुलरली इतना सब कुछ मैं करती नहीं हूँ, मैं यही जनरल सा एक लिपस्टिक और एक हल्का सा अपनी आईज को प्रॉब्लम दे देती हूँ और मैं मेकअप को डन कंसीडर कर लेती हूँ। आप चाहो तो ब्लशर करो, बट मैंने क्योंकि कंटूरिंग की हुई है तो वो एक वो स्लिम लिफ्टेड फेस का लुक आ रहा है, और उसके साथ सिर्फ एक सिंगल लिपस्टिक शेड, ये जो बेस है इसको आपने लॉक कर दिया है, ये आपका थ्रू आउट दी डे रहेगा, तो आपको रात को भी इतना तो इतना ही मिलेगा। तो आप भी ट्राई करना ये बिल्कुल सिंपल सा मेकअप हैक मेरे, और अगर बेनिफिट लग रहा है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दें ताकि नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो आने वाली वीडियो में मैं बताने वाली हूँ स्मिटन ऐप से मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई हैं, बहुत सारी कलेक्शन हो गई है मटेरियल की मेरे पास, विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू इन दी अपकमिंग वीडियो। सो बने रहिए चैनल पे, बाय बाय।